श्रद्धांजलि देने का मकसद यह था कि ओम प्रकाश राजभर 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़े थे तो 2020 में मैं पार्टी में था उनके साथ, तो उनके लड़के और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने वादा फरोशी किया है, और ओम प्रकाश राजभर पलटू राम मंगरू चाचा ये उंगली पे गिनाते हैं सारी जातियों को कि पाल प्रजापति लोहार कुहार बिंद कश्यप आरा अर्कवंशी दुनिया अंसारी तमाम जाति के लोगों को अधिकार और आरक्षण नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आजादी के 75 साल बीत गए, मेरे साथ आओ मैं अधिकार दिलाने का काम करूंगा। और ये आदमी केवल राजभर समाज को धोखा नहीं, ये सारे दल पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को सारे लोगों को धोखा देने का काम किया और सारे सीटों को गुंडा और माफियाओं को बेचने का काम किया। कोई सीट 5 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ में बेच करके गुंडे माफिया, आप बता दो कि मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी कितने दिन का इनके पार्टी का कार्यकर्ता था, बेदीराम जो उनके साथ आज चल रहा है, बेदीराम नकल माफिया, पूरे भारत का सबसे बड़ा नकल माफिया, आज उसको इन्होंने सीट देने का काम किया, वो कितने दिन का इनका कार्यकर्ता या पदाधिकारी था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर कभी किसी स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं, जब तुम सबसे बड़े गुंडे हो तो ये भी फार्म किसी पार्टी का वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से मिलता है, तो ये भी फार्म क्या मुख्तार अंसारी के बेटे ने तुमको पिस्टल लगा करके मांगा था। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो आप लोगों ने देखा था जिसमें सुहेलदेव समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर की तिरही करके अंतिम संस्कार किया गया था और वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, इन्हीं ने वो कार्यक्रम किया था। ओम प्रकाश राजभर जिंदा है लेकिन उनकी तिरही इन लोगों ने की थी। पहले तो हम इनसे बातचीत करेंगे, फिर सिलसिला हमारा शुरू होगा। भाई साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। मैं बृजेश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। भैया, ओम प्रकाश राजभर जो है, कभी आप साथ ही रहे होंगे, आप लोग एक पार्टी से रहे हैं, बताया है बाद में टूट के पार्टी बनी है, वो एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, चर्चा था कि आप लोगों ने तिरही किया था कि ओम प्रकाश राजभर खत्म हो गए। ओम प्रकाश राजभर तो घोसी में खूब डटे थे, हल्ला मचा रहे थे। हम ही ने दिया था, श्रद्धांजलि देने का मकसद यह था कि ओम प्रकाश राजभर 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़े थे तो 2020 में मैं पार्टी में था उनके साथ, तो उनके लड़के और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने वादा फरोशी किया है। इन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई दूर करेंगे, गरीब जो हवाई चप्पल पहनने वाला है उसको हवाई जहाज पे ले जाएंगे और सबको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा, महंगाई से निजात मिलेगी और सबके खाते में 15-15 लाख रुपये आएगा। तो ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों ने कहा कि आप जा करके धरना प्रदर्शन करो, उनका विरोध करो, ये लोगों ने वादा फरोशी किया है। तो हम लोगों ने जा करके उनके कहने के अनुसार उन नेताओं का वहाँ पर हमने एक बैनर पोस्टर लगा करके श्रद्धांजलि देने का काम किया कि ये लोग वादा फरोशी किए हैं। ये 2019 की बात है। तो जब 2019 में वादा फरोशी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह अमित शाह सबका तस्वीर लगा करके श्रद्धांजलि दिलवाने का काम ओम प्रकाश ने करवाया था तो हमारे राजनीतिक गुरु हुए। तो आज ओम प्रकाश राजभर जब गठबंधन तोड़े तो ये कहे कि समाज को हिस्सेदारी आरक्षण अधिकार नहीं मिल पाया, इसलिए हमने गठबंधन तोड़ दिया और अपने कुर्सी को अपने मंत्रालय को लात मार दिया। वो बात सही थी, हम लोगों को भी गर्व हुआ कि बहुत बढ़िया, ऐसा नेता न कभी पैदा हुआ था न होगा। और सब लोग कह रहे थे कि ये किसी जमाने में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना बड़ा त्याग किया था और दूसरा अंबेडकर कौन है, ओम प्रकाश राजभर पलटू राम मंगरू चाचा। तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन 2019 में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने नाता तोड़ा और श्रद्धांजलि दिलवाई अपने पार्टी के लोगों से, उसमें मैं भी शामिल था।
तब बताइए कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ इन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके हर जातियों को एकत्रित करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया और ओम प्रकाश राजभर पलटू राम मंगरू चाचा ये उंगली पे गिनाते हैं सारी जातियों को कि पाल प्रजापति लोहार कुहार बिन कश्यप आरा अर्कवंशी दुनिया अंसारी तमाम जाति के लोगों को अधिकार और आरक्षण नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आजादी के 75 साल बीत गए, मेरे साथ आओ, मैं अधिकार दिलाने का काम करूंगा। तो सारे लोग एकत्रित होकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा में हल्दरपुर मऊ के मैदान में सारी बड़ी भीड़ जुटा करके रैली करने का काम किया गया। जब इन्होंने बंद कमरे में अपने बेटे को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी के साथ समझौता किया तो 18 सीटों पर समझौता हो गया। फिर भागीदारी में जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कम से कम 22 से 23 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हर जाति के लोग थे जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, बाबू राम पाल, रामकरण कश्यप, अनिल सिंह चौहान, राम सागर बिंद, ओवैसी, माननीय शिवपाल जी, चंद्रशेखर रावण, तमाम ऐसे लोगों के साथ फोटो खिंचा करके अपना पीठ थपथपा रहे थे कि सारे लोग भागीदारी लेने के लिए मेरे साथ हैं, मैं नेतृत्व करता हूं। जब 18 सीट ले लिया, बंद कमरे में समझौता कर लिया, जब समझौता करना हुआ तो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं लेकर के गए। 18 सीटों पे जब समझौता हो गया, सारे दल के लोग कहे कि भाई हमारा भी हिस्सा दे दो, हमको भी सीटें दे दो, तो ये बेईमान क्या किया, उनको VIP 5-स्टार होटल लखनऊ में खाना खिलाने के बाद हेलीकॉप्टर में घुमा के हल्दरपुर मैदान में छोड़ दिया और किसी को एक सीट देने का काम नहीं किया। और ये आदमी केवल राजभर समाज को धोखा नहीं, ये सारे दल पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, सारे लोगों को धोखा देने का काम किया और सारे सीटों को गुंडा और माफियाओं को बेचने का काम किया। कोई सीट 5 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़ में बेच करके गुंडे माफियाओं, आप बता दो कि मुख्तार अंसारी के बेटा अब्बास अंसारी कितने दिन का इनके पार्टी का कार्यकर्ता था, बेदीराम जो उनके साथ आज चल रहा है, बेदीराम नकल माफिया, पूरे भारत का सबसे बड़ा नकल माफिया, आज उसको इन्होंने सीट देने का काम किया। वो कितने दिन का इनका कार्यकर्ता या पदाधिकारी था, आज जफराबाद में जगदीश नारायण राय को सीट दे दिया, बेच दिया। ये कहता है किसी बात में कि माननीय अखिलेश यादव जी अपना प्रत्याशी दिए थे, सिंबल हमारा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर कभी किसी स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूँ? जब तुम सबसे बड़े गुंडे हो तो ये भी फार्म किसी पार्टी का, वो सबसे बड़ा प्रमाण पत्र चुनाव आयोग से मिलता है, तो ये भी फार्म क्या मुख्तार अंसारी के बेटे ने तुमको पिस्टल लगा करके मांगा था? जब वो तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं था तो तुमने 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया लेकर के तुमने टिकट बेचने का काम किया, अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को लात मार करके बाहर कर दिया। जब गठबंधन नहीं होता है तो ये अपने नेताओं को, अपने समाज के लोगों को चुनाव लड़ता है, जब गठबंधन हो जाता है तो खुद चुनाव लड़ता है और उसका बेटा चुनाव लड़ता है। तो सम्मानित साथियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाओ, ये आदमी केवल राजभर का ही हत्यारा नहीं है, ये सारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सभी लोगों का ये हत्यारा है और इससे आप लोगों को आगाह होना पड़ेगा। ब्रिजेश जी, आप इतना आरोप लगा दे रहे हैं, जबकि ओम प्रकाश राजभर का ये कहना था कि उन्होंने कुर्सी को लात मार के, मंत्री की कुर्सी को लात मार के पिछड़ों दलितों की हक की लड़ाई के लिए जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। मैं वही आ रहा हूँ, जब इतनी बड़ी लात मार के हिस्सेदारी आरक्षण अधिकार दिलाने के लिए अपने समाज को तुम निकले थे, तो आज ये बताओ कि क्या तय कर लिए, क्या दिलवा दिए, क्या तुमने आरक्षण दिलवा दिया समाज को, क्या जातिवार जनगणना हो गई, क्या शराब बंदी हो गया, क्या पूर्वांचल राज अलग करा लिए, क्या करवा दिया कि तुमने समझौता करके जाके गठबंधन करके जहां तुम थूके थे उसी जूते पर, थूके हुए जूते पर तुमने चाटने का काम किया, योगी और मोदी के दरबार में जाकर के तुम घुटने पे हो गए। आज बताओ, ये समाज पूछना चाहता है, आपके चैनल के माध्यम से पूरा समाज देख रहा है कि तुमने समाज को कौन सा हिस्सा दिलवा दिया। इसका मतलब कि तुम अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने बेटे को सांसद बनाने के चक्कर में पूरे समाज को गर्त में डालने का काम किए हो। लेकिन फिर गए है ना, इसीलिए तो गए हैं, समाज के भला करने के लिए तो फिर बीजेपी में गए हैं, सत्ता में शामिल होंगे, पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ेंगे ना, इसीलिए तो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी तो बिना समझौता, बिना बताए बंद कमरे में तुमने समझौता कर लिया और बिना बताए तुमने गठबंधन कर लिया। अगर आप बता दोगे जिस दिन ओम प्रकाश राजभर जातिवार जनगणना करा दे, देश में शराबबंदी करवा दे, वो
बेरोजगारों को रोजगार दिलवा दे, आरक्षण अधिकार दिलवा दे, हिस्सेदारी दिलवा दे, ब्रजेश राजभर अपने दल बल के साथ उनका स्वागत करेगा बैंड बाजे के साथ। और नहीं तो अभी तो मैं श्रद्धांजलि दिया हूँ, अभी तो तेरा ही करवाया हूँ। अभी जिस दिन बिना हिस्सेदारी तय किए ओम प्रकाश राजभर ने कुर्सी संभाल ली, कैबिनेट में चले गए, अपने बेटे को सांसदी का टिकट दिलवा दिए, उस दिन मणिकर्णिका घाट पे ब्रजेश राजभर स्वयं हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का सर का मुंडन करवा के पिंडदान करवा के इनकी अस्थि विसर्जन करने का काम करूंगा। ब्रजेश जी वो ये कहते हैं कि आप लोग किसी काम के नहीं थे, पार्टी से निकल गए हैं, आप लोगों को तो कहते हैं जो पार्टी बना लिए सब पियक्कड़ लोग हैं, इसी तरह बोलते रहते हैं। घोसी की जनता ने आज साबित कर दिया कि पियक्कड़ कौन था, गजेड़ी कौन था और दलाल कौन था। आज वो दलाल मुंह छिपा करके पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ हिस्सेदारी, कहाँ गई रोजगार, कहाँ गई तुम्हारी वोट बैंक, कहाँ गए तुम्हारे 90,000 राजभर वोट जो तुम गठरी में बांध के घूम रहे थे। दारा सिंह चौहान ठगी का शिकार हो गया बेचारा, वो तो अच्छा खासा विधायक था, उसका कान फूंक दिया कि मैं तुमको डिप्टी सीएम बनवा दूंगा और मैं भी डिप्टी सीएम बन जाऊंगा, मेरी बात मानो और इस पद से इस्तीफा दे दो, चलो मेरे साथ। वो तो अच्छा खासा विधायक था बेचारा, उसको भी गर्त में डाल दिया ये बेईमान। और ये कहता है बार बार राजभर समाज को नीचा दिखाने का काम करता है, राजभर का कहां हित ऐसी है। अरे राजभर समाज के लोगों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जैसा धोखेबाज न आज तक पैदा हुआ है न पैदा होगा। ब्रजेश जी जो उठिया 80,000 मिली है बीजेपी को, वो तो राजभर निषाद की मिली है, दोनों लोग दिलवाए हैं, बीजेपी अपनी वोट नहीं पाई, वो तो ये कह रहे हैं कहा राजभर सब दिया है, राजभर आप लोगों कहने पे सपा के साथ नहीं गया है वहाँ। ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर फिर फ्रॉडगिरी कर रहे हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है कि जातिवार जनगणना हुई नहीं, जाति के आधार पे वो सूची जारी कर दिया, ये फर्जी सूची है। आप लोग पत्रकार हैं, मैं तो कहता हूँ कि पत्रकारिता आप चौथे पिलर हैं, आपको शान से पूछना चाहिए कि जातिवार जनगणना जब नहीं हुई तो तुम पाल प्रजापति लोहार कुहार बिंद कश्यप चौहान राजभर यादव ठाकुर पंडित का कैसे सूची जारी कर रहे हो कि इतना वोट उनका है इतना वोट उनका है। ये पूरा सरासर फर्जी है, इस पे ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ब्रजेश जी घोसी तो चुनाव हार गए, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी थी, तो सब जानते हैं, जग जाहिर है, पता था कि मंत्री बनने वाले हैं। आप लोग कह रहे हैं या और समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अभी मंत्री उंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन राजभर कह रहे हैं कि हम मंत्री बनब भैया, मतलब वो भैया दारा भी बनेंगे मंत्री। बहुत सही कह रहे हैं, मंत्री क्या बनेंगे। घोसी के भाजपा के कार्यालय में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि भाजपा वालों ने इनको झाड़ू मारने की ड्यूटी लगा दी है, वो वीडियो वायरल हुआ था, कार्यालय में झाड़ू मार रहे थे, वो कार्यालय इनके बाप का और इनका नहीं था, वो कार्यालय दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का था और पहली बार ओम प्रकाश राजभर उस कार्यालय में झाड़ू मारने का काम किए। इनको झाड़ू मंत्री और बूट पॉलिश मंत्री जरूर बनाया जाएगा, ये मंत्री तो नहीं, ये लोग संतरी जरूर बनेंगे। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी को इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर जिस दिन ओम प्रकाश राजभर को आप लोग मंत्री बना दिया, 2024 में कंडीशन तो बहुत खराब है लेकिन इतनी दुर्दशा हो जाएगी ओम प्रकाश के वजह से कि जो 10-5 सीट आनी थी उत्तर प्रदेश में वो भी नहीं सीट आएगी और इंडिया पूर्ण बहुमत से इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग जीतने जा रहे हैं। ऐसे बहरूपियों को निकाल दो, कम से कम 10-5 वोट मिल जाएगा, 10-5 सीट आप लिखी सम्मान बच जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। यानी स्वाभिमान जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपकी है ये इंडिया का हिस्सा बन गई है, तो कुछ सीट शेयरिंग की भी बात हो रही है, कुछ हो रही है। क्या कुछ मिलने वाला है आप लोगों को भी? राष्ट्रीय कमेटी का भाई निर्णय है, फैसला है, हम लोग उसके लिए बैठने जा रहे हैं, हमारी कोर कमेटी बैठेगी, वो फैसला आने पर आप लोगों को खबर मिल जाएगी और जितना जल्दी हो सकेगा इंडिया गठबंधन की घोषणा हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन रह गई जो समाज को धोखा देने वाले लोग, खाली ओम प्रकाश नहीं, ओम प्रकाश जैसे हर समाज में जितने ठग बेईमान बैठे हैं उनसे आगाह होने की जरूरत है। आप देख लीजिए, चाहे अपना दल से अनुप्रिया पटेल हो,
चाहे निषाद पार्टी के संजय निषाद हो और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, चाहे जो भी पिछड़े दलित समाज के नेता हैं, उनसे अब आगाह होने की जरूरत है। ये लोग अपने बेटे, अपने परिवार को, अपने जेबा, अपनी मलाई के व्यवस्था के चक्कर में पूरे अपने अपने समाज को गर्त में डालने जा रहे हैं। तो मैं एक शहर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि तूफानों से नजर मिलाओ, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो। मल्लाहों का मतलब अपने समाज के दलालों और गद्दारों का चक्कर छोड़ो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और खुद तैर के दरिया पार करो, खुद तैर के दरिया पार करो। यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटों हम लोग जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसको बना रहा है आपकी पार्टी जो है गठबंधन में? प्रधानमंत्री गठबंधन हमारा तय हो गया है, प्रधानमंत्री भी तय हो जाएगा, वो कोर कमेटी का विषय है, वो जल्दी हो जाएगा। वो भी दर्द इनका जो भारतीय जनता पार्टी वालों का है, वो भी दर्द दूर हो जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, इसको हाईलाइट में रखिएगा, जब हेट स्पीच पे असंसदीय भाषा का प्रयोग करने पर मैं माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी से निवेदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं और इंडिया गठबंधन के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, जब हेट स्पीच पे असंसदीय भाषा का प्रयोग करने पर माननीय राहुल गांधी जी का सांसदी सदस्यता चली जाती है, उत्तर प्रदेश से माननीय आजम खान साहब का सदस्यता रद्द हो सकती है, तो उत्तर प्रदेश में मंगरू से आपका क्या रिश्ता है? जिस मंगरू ओम प्रकाश राजभर ने यही मोदी योगी को कहा था, बनारस में डुबो के मार डालूंगा, योगी मोदी को वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, और भाजपा के नेताओं के लिए कहा था, वो वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को, चैलेंजिंग वीडियो है, उनको माँ बहन की गाली मंच पे खड़ा होकर के ओम प्रकाश राजभर ने दिया था। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब मैं भाजपाइयों को देखता हूं तो मेरा खून खौल जाता है कि वो महाराजा सुहेलदेव का तलवार निकाल के उनका गर्दन धड़ से अलग कर दूं। तो जब इतना बड़ा बेईमान हेट स्पीच देने वाला, जब उसकी सदस्यता कब रद्द करोगे आप लोग? ये ब्रजेश राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पूछता है कि ये मोदी योगी आप इस बेईमान की सदस्यता कब रद्द करोगे? हम लोग इंतजार करेंगे, और नहीं तो आप लोग बता दो कि इस परिवारवादी भस्मासुर आपसे मिलीजुली सरकार में बैठा हुआ बेईमान, ऐसे बेईमानों को आप पाल करके समाज में जाति और धर्म के नाम पे अलग करने की बात करवाने के लिए आप तैयार हो? कब कहता है कि यादव का 12 बजे बुद्धि खुलता है? कभी धर्म के नाम पे गाली देने वाला, कभी देवी देवताओं को मंच से बहिष्कार करने वाला। तो आप लोग तो विश्व गुरु बनाने जा रहे थे, आप लोग तो देश को उस सर्वोच्च कुर्सी पे लेके जाने वाले, तो ऐसे बेईमानों को क्यों लेके जा रहे हो? जब आपके दल में ऑलरेडी राजभर समाज के 22 नेता थे तो ओम प्रकाश को लेने की क्या जरूरत थी? जब अनिल राजभर और विजय राजभर, हरि नारायण राजभर, शकलदीप राजभर, तमाम ऐसे राजभर बड़े दिग्गज नेता थे, तो तब ओम प्रकाश की क्या जरूरत पड़ गई? इसका मतलब कि ये लोग फेलियर हैं। तो जब फेलियर हैं तो उनको निकाल के बाहर कर दो, ले लो ओम प्रकाश राजभर को, बना लो प्रधानमंत्री उसको। ए बेईमान को अगर बस चले, ओम प्रकाश राजभर अपना सीट का जो समझौता करता है केवल पैसे के बल पे, अगर इसका बस चले तो ओसामा बिन लादेन तो मर चुका है, उसका लड़का भी आ जाए तो उसको भारत का, यहाँ का नागरिकता दिला करके वो बेईमान 10-5 करोड़ में भारत को भी बेच देगा। देखिए हमारे साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष जी थे, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।